दोस्तों अगर आप भी देश के युवा हैं तो ये बात आपको जरूर जाननी चाहिए कि युवाओं के लिए सरकार ने बजट में क्या क्या बड़े ऐलान किए हैं। देश के 1 करोड़ युवाओं को हर महीने 5,000 रुपए का भत्ता मिलेगा। 500 टॉप कंपनियों में 5 करोड़ युवाओं को इंटर्नशिप यानी कि ट्रेनिंग दी जाएगी और 5,000 रुपए के मासिक भत्ता समेत युवाओं के लिए 10 बड़े ऐलान किए हैं सरकार ने इस बजट में। स्पेशली युवाओं के लिए जानेंगे। वैसे तो बजट में और भी कई सारी घोषणाएं की हैं, लेकिन युवाओं के लिए खुशखबरी देखिए, 1 करोड़ युवाओं को तो टॉप कंपनियों में, देश की जो टॉप इंडस्ट्रियल कंपनीज हैं, उनमें ट्रेनिंग मिलेगी, इंटर्नशिप का मौका मिलेगा और साथ ही मंथली 5,000 रुपए का भत्ता भी दिया जाएगा। टॉप कंपनियों में कौशल प्रशिक्षण प्रोग्राम के तहत 12 महीने की प्रधानमंत्री इंटर्नशिप योजना के दौरान 5,000 रुपए का मासिक भत्ता मिलेगा। ये योजना उन्हीं पर लागू होगी जिन्हें पहले से रोजगार प्राप्त नहीं है, यानी बेरोजगार युवाओं के लिए सरकार ने बजट में ये बड़ी खुशखबरी दी है। और पहली बार नौकरी पाने वाले युवाओं के लिए भी बजट में एक बड़ा ऐलान हुआ। पहले 4 साल में आपको क्या फायदा मिलेगा? वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने प्रधानमंत्री पैकेज के तहत नए रोजगार के लिए कौशल आधारित योजना की घोषणा भी की है। यानी इस योजना के तहत पहली बार नौकरी करने वालों को 1 महीने का वेतन मिलेगा और वेतन सीमा 1,00,000 रुपए प्रति महीना होगी। ये डीबीटी के जरिए 3 किस्तों में दी जाएगी। 1 महीने का वेतन डीबीटी के जरिए 3 किस्तों में 15,000 रुपए तक दिया जाएगा। यानी 1,00,000 सैलरी पाने वाले के खाते में 15,000 रुपए ट्रांसफर किए जाएंगे एडवांस पीएफ के रूप में। 20,00,000 युवाओं को अपग्रेड करेगी सरकार। इसके अलावा मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में पहली बार नौकरी पाने वालों को और देने वालों को ईपीएफओ योगदान के तहत ये एडवांस फायदा मिलेगा 15,000 का। ठीक है, अब ये कुछ हाइलाइट्स पॉइंट्स देखिए आप। रोजगार व कौशल प्रशिक्षण से जुड़ी 5 योजनाओं के लिए 2,00,000 करोड़ रुपए का आवंटन रखा सरकार ने बजट में युवाओं के लिए। 500 टॉप कंपनियों में 1 करोड़ युवाओं को इंटर्नशिप का प्रावधान रखा गया है। 5,000 मासिक मानदेय के साथ ही 12 महीने की पीएम इंटर्नशिप योजना शुरू की जाएगी और पहली जॉब ज्वाइन करने वालों के लिए 15,000 की 3 किस्त सीधे ईपीएफओ अकाउंट में भेजी जाएगी। अच्छा, युवाओं से जुड़े कुछ और फायदे देखिए आप। केंद्रीय बजट 2024 में युवाओं के लिए इन 5 योजनाओं में 2,00,000 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। एजुकेशन लोन में भी छूट दी जाएगी। जिन्हें सरकारी योजनाओं के तहत कोई फायदा नहीं मिल रहा, उन युवाओं को 10,00,000 रुपए से ज्यादा का एजुकेशन लोन मिल पाएगा और इस लोन का 3% पैसा सरकार देगी। और इतना ही नहीं, इस लोन की ब्याज वगैरह में सब्सिडी भी दी जाएगी सरकार की तरफ से। पूरी खबर मैं आपको आगे बताता हूँ विस्तार में। देखिए आप, टॉप कंपनियों में पार्टनरशिप का मौका मिलेगा। पहली नौकरी में 15,000 रुपए की मदद 3 किस्तों के रूप में और मुद्रा योजना के लोन की रकम को भी 10,00,000 रुपए से बढ़ाकर 20,00,000 रुपए कर दिया है। ये भी एक युवाओं के लिए बड़ी अच्छी घोषणा की गई है। जो खुद का काम धंधा, कोई व्यापार रोजगार शुरू करना चाहते हैं तो उन्हें 20,00,000 रुपए का लोन अब मुद्रा योजना के तहत मिल पाएगा। अच्छा, इसके अलावा देखिए, वित्त मंत्री ने शिक्षा, कौशल विकास और रोजगार के लिए ये कुछ प्रमुख बड़ी घोषणाएं की है। युवाओं के रोजगार प्रोत्साहन के लिए 3 योजनाओं के बारे में जानकारी देखिए आप। योजना कह, योजना कह और योजना गह, ये 3 नई योजनाएं शुरू की गई है। पहली बार रोजगार पाने वालों के लिए योजना कह, जिसमें ये 15,000 का फायदा 3 बार मिलेगा और रोजगार पाने के पहले 4 सालों में उनके ईपीएफओ योगदान के अनुसार कर्मचारी और नियोक्ता दोनों को प्रत्यक्ष प्रोत्साहन भी दिया जाएगा सरकार की तरफ से। और युवाओं के लिए रोजगार की योजना गह देखिए आप। नियोक्ताओं को प्रत्येक कर्मचारी के लिए 2 साल तक उनके प्रति महीना 3,000 रुपए तक के ईपीएफओ योगदान की प्रतिपूर्ति भी सरकार द्वारा की जाएगी। वहीं ई श्रम पोर्टल को अन्य कंपनियों के साथ जोड़ा जाएगा ताकि नौकरी खोजने वालों को कंपनियों और स्किल ट्रेनिंग संस्थानों के अंतर्गत रोजगार मिल सके, जॉब मिल सके, नौकरी मिल सके, है ना। तो ये दोस्तों, देश के 1 करोड़ से भी ज्यादा युवाओं को तो इंटर्नशिप के दौरान 5,000 रुपए मिलेंगे। 2024 में खुशखबरी दी है सरकार ने। इसके अलावा 4 करोड़ से भी ज्यादा युवाओं के लिए प्रधानमंत्री पैकेज की भी घोषणा की है और केवल रोजगार देने के लिए अलग से 1,50,000 रुपए करोड़ का प्रावधान भी बजट में रखा है। और ये जो इंटर्नशिप योजना के बारे में मैंने आपको बताया, इस योजना में दोस्तों हर साल 2,000,000 से ज्यादा युवाओं को इंटर्नशिप दी जाएगी जिन्हें 5,000 महीना मिलेंगे। और भी स्टूडेंट, स्पेशली छात्र छात्राओं के लिए देखिए आप, बजट में क्या क्या अनाउंसमेंट किए गए। छात्रों को कॉलेज एडमिशन लोन मिल पाएगा, 3% पैसा सरकार देगी। हर साल 1,00,000 स्टूडेंट को लोन के ई वाउचर्स दिए जाएंगे, ये मतलब एजुकेशन लोन में छूट के लिए, है ना। इसके अलावा देखिए, जो युवा नौकरी पैसा है उनके लिए सरकार ने क्या क्या राहत दी है। एक तो स्टैंडर्ड डिडक्शन में राहत दी है, 50,000 से बढ़ाकर इसे 75,000 कर दिया है। और टैक्स रिजिम में बदलाव किया, मैंने आपको बताया था, अब 17,500 रुपए तक का अलग से फायदा होगा। ये टैक्स रिजिम के कुछ पॉइंट्स आप देख सकते हैं। 1,00,000 रुपए तक की इनकम पर अब आपको टैक्स बिल्कुल नहीं देना पड़ेगा और बाकी 7,00,000 रुपए तक की इनकम पर आपको अधिकतम 5% इनकम टैक्स देना पड़ेगा। फॉर्मल सेक्टर में पहली नौकरी करने वालों को 1 महीने का वेतन मिलेगा, 15,000 रुपए डीबीटी 3 किस्तों के रूप में वगैरह वगैरह, ये सब डिटेल मैंने आपको बता दी है। ठीक है, इसके अलावा देखिए आप, पीएम सूर्य घर योजना से 1 करोड़ परिवारों को हर महीने 300 यूनिट तक निःशुल्क बिजली दी जाएगी और म्यूचुअल फंड या यूआईटी के पुनः खरीदारी पर 20% टीडीएस वापस ले लिया सरकार ने। तो ये टैक्स वगैरह छूट में और नौकरी पैसा वाले लोगों के लिए भी सरकार ने बजट में राहत दी है ना। तो उम्मीद है दोस्तों, युवाओं से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां और इंपोर्टेंट हाइलाइट्स आपको जरूर जानने मिले होंगे। सरकार के इस बजट को आप 10 में से कितने स्टार रेटिंग देना चाहेंगे कमेंट करके बताइए मुझे। और बाकी इस वीडियो को लाइक और शेयर करना ऐसे इन्फॉर्मेटिव काम की खबरें रोजाना देखते रहने के लिए।